नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ओनली जेके गवर्नमेंट जब स्टूडेंट पॉइंट में। आज के वीडियो में बात करेंगे संजवा आर्मी रैली भर्ती अपडेट्स के बारे में। आपको बता देंगे अगर आप जम्मू कश्मीर से बेल्ट फोर्स या इंडियन आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को रेड वाले बटन से सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई और वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में। आज की वीडियो में बात करेंगे आप लोगों के रिटर्न एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि संजवा रैली की रिटर्न एग्ज़ाम डेट आउट हो गई है। जो कैंडिडेट फिट हो रहा है मेडिकल, उसको एग्ज़ाम के लिए स्लिप उसी टाइम मिल रही है। आपको बता दें कि जिस कैंडिडेट को एमएच रेफर पड़ रहा है उनके रिटर्न एग्ज़ाम की डेट अलग से अनाउंस की जाएगी। इसलिए आपको बता देंगे जो कैंडिडेट एमएच रेफ़र कर दिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल ना माने कि हम बाहर हो गए, आपका दोबारा से मेडिकल लिया जाएगा वो मिलिट्री हॉस्पिटल में, और मिलिट्री हॉस्पिटल में ही आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप लोग पास हैं जहाँ आप रह गए हैं। मैक्सिमम आपको बता दें कि एमएच रेफर वाले भी मैक्सिमम स्टूडेंट पास ही होते हैं, क्योंकि हमें भी कई बार एमएच रेफर पड़ा है और कई बार हमने क्लियर करवाया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोगों को रेफर किस में पड़ा है। फिलहाल मेडिकल का डिटेल वीडियो ऑलरेडी सेपरेट डालेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे रिटर्न डेट की। आपको बता दें कि बेस्ट बुक भी इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ में अगर आप लोगों की रनिंग रह चुकी है तभी भी आप लोग इस बुक को अपने पास रखें। अगर आप आने वाले समय में इंडियन आर्मी या टीए की भर्ती देखना चाहते हैं, आपको बता दें कि इंडियन आर्मी और टीए का सिलेबस सेम होता है, इसलिए आप लोग ये बुक अपने पास रखें। और आपको बता दें कि हम इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की भी सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो वीडियो को नीचे कमेंट करें, हम आपको डेली 10 से 15 क्वेश्चन जो कि सिलेबस अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम डेट की बात करें, एग्ज़ाम डेट की बात करें तो आप लोगों को बता दें कि 25 अप्रैल को आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं 25 अप्रैल को आपका जैसे एग्ज़ाम होगा और उसके 10 से 12 दिन में, यानी कि आपको बता दें कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का जल्द ही ज्वाइनिंग कंडक्ट कराई जाएगी। नेक्स्ट बुक की बात करें तो बुक आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोगों का रिटर्न एक ही दिन होगा जो हमने आपको डेट बताई है। बुक की बात करें तो आप लोगों को जनरल ड्यूटी की कोई भी बुक ले सकते हैं, अरिहंत की ले सकते हैं एक बड़ी बुक। साथ में आप लोगों को एसके बुक प्रैक्टिस सेट मिलेगा इंडियन आर्मी का, जिसमें 50 पेपर होते हैं। आप लोग अगर उन 50 पेपर को कर लेंगे तो आसानी से आप लोग इंडियन आर्मी जीडी का पेपर पास कर पाओगे। अगर आप लोग ये सोचेंगे कि हाँ जी बिल्कुल ईजी होता है आसानी से कर लेंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पर रिटर्न में 100 में से 40 बच्चे एग्ज़ाम में फेल होते हैं, ये भी खास ध्यान रखें। आप लोग बिल्कुल भी गलती ना करें, अगर आप लोग फिट हो गए हैं तो आप भी थोड़ी सी मेहनत बची है ज़रूर करें, आसानी से आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी। आप देख सकते हैं जहां पर प्रैक्टिस सेट जो आएगा उसमें 100 पेपर होते हैं और आप लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टडी कर सकते हैं। हम आपको थोड़ा बहुत प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। 2-2.5 मिनट्स की वीडियो में यही अपडेट आप तक पहुँचानी थी, एग्ज़ाम डेट आप तक पहुँचानी थी, वो पहुँचा दी है। बाकी एमएच रेफर वाले भी साथ साथ में पढ़ते रहें। आपको बता दें कि एमएच रेफर पढ़ गया तो आप बाहर नहीं हुए हैं, आप लोगों को आप लोग पास हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट।